हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मांडी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश, क्लास सेकेंड, चैप्टर थर्ड। लेसन नेम ए न्यू होम, ए नया घर। चलते हैं लेसन की ओर। ए न्यू होम, नया घर। अमित, उमा एंड स्मिता वर इन बेड एंड वेटिंग फॉर मदर रीड देम ए बेड टाइम स्टोरी। अमित, उमा और स्मिता बेड पर हैं, बेड पर अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी माँ आएगी और बेड टाइम की जो स्टोरी उन्हें पढ़ के बताएगी, उन्हें बताएगी। अमित, उमा एंड स्मिता वर इन बेड एंड वेटिंग फॉर मदर। तो अमित है, उमा है, स्मिता है, वो वेटिंग कर रहे हैं अपनी माँ का, जो उन्हें एक कहानी पढ़ के सुनाए। मदर इंटर्ड विथ ए बिग ब्यूटीफुल पिक्चर स्टोरी बुक। उनकी माँ इंटर करती है, प्रवेश करती है, उनके पास एक बिग, बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल एक पिक्चर स्टोरी, एक कहानी की बुक है। वेल, व्हाट डू यू वांट टू हियर टुडे, ए पीपल स्टोरी और एन एनिमल स्टोरी, आस्क मदर। उनकी मदर उनसे पूछती है, वेल चलो बताओ आप क्या सुनना पसंद करेंगे, एक टॉयडे पीपल की स्टोरी और एक एनिमल की स्टोरी। मदर टेल अस एन एनिमल स्टोरी, सेड स्मिता। स्मिता कहती है, माँ हमें आप एनिमल्स की स्टोरियाँ बताएं। मदर स्माइल एंड सेड, मदर थोड़ा स्माइल करती है और स्पीक करती है, कहती है, ऑल राइट ठीक है, लिसन टू दिस स्टोरी अबाउट फादर टॉयडे एंड हिज बेबीज। ये कहानी सुनो जो कि एक फादर टॉयडे हैं, एक पिता टॉयडे हैं और उसके बेबीज के, उसके बच्चों के बारे में। फादर टॉयडे वॉज ए काइंड एंड क्लेवर टॉयड। जो फादर टॉयडे हैं बहुत ही दयालु और बहुत ही चतुर टॉयडे हैं, मेंढक है। मेंढक टॉयडे मीन्स होता है मेंढक, फ्रॉग, ओके, काइंड ऑफ फ्रॉग। जो टॉयडे हैं, फादर टॉयडे बहुत दयालु हैं, काइंड हैं और क्लेवर टॉयड और एक चतुर मेंढक हैं, एक चतुर टॉयडे हैं। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। वह अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। ही हैड मैनी मैनी चिल्ड्रन, उसके पास बहुत सारे बच्चे थे। वैन दे वर बॉर्न, जब वे पैदा हुए थे। मदर टॉयडे पुट द बेबी टेडपोल्स इन टू इट पॉन्ड। जो मदर टॉयडे हैं, पुट द बेबी टेडपोल, जो बेबी टेडपोल्स हैं, जो मेंढकों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको खा देती है, पॉन्ड में उनको रख देती है उनकी माँ, मदर टॉयडे। टेडपोल्स ग्रो अप टू बी टॉड्स ओनली व्हेन दे लिव इन वाटर। टॉड्स बढ़ सकते हैं जब तक वो पानी में हैं, और पानी फिनिश, वाटर फिनिश हो गया तो वो फिनिश हो जाएंगे, वो भी फिनिश मर जाएंगे। वन डे वाटर टॉयडे सा दैट वाटर वॉज ड्रॉइंग अप इन द पॉन्ड। एक दिन जो टॉयडे फादर टॉयडे हैं, जो उनके पिता हैं टॉयडे, देखते हैं कि जो वाटर है पॉन्ड का, तो धीरे धीरे वो सूखता जा रहा है। समर हैड कम, गर्मी आ चुकी है। एंड इट वॉज वेरी हॉट, और बहुत गर्म है। एवरी डे देयर वॉज लेस वाटर इन द पॉन्ड, और प्रत्येक दिन कम पानी कम होता जा रहा है। सून द टेडपोल्स डिड नॉट हैव एनफ वाटर टू स्विम इन। जल्दी इन टेडपोल्सों के लिए, इन बच्चों के लिए पानी नहीं रहेगा तैरने के लिए। फादर टॉयडे न्यू ही हैड टू डू समथिंग क्विकली और द टेडपोल वुड डाई। जो फादर टॉयडे हैं, उन्होंने जाना कि हम मुझे कुछ करना होगा, कुछ जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, अदरवाइज जो टेडपोल्स हैं वो मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। जो उनके बच्चे हैं ना टेडपोल्स के, फ्रॉग के, वो मर जाएंगे। दिस पॉन्ड हैड ए लेक बिसाइड इट। This pond had a lake beside it. उस पॉन्ड के पास, तालाब के पास एक झील है, पास में ही उसके पास में। The lake was bigger and had more water. जो वो लेक है, झील है, बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारा पानी है, वाटर है। So father Toyde started digging through the ball of sand. इसलिए उनके जो टॉयडे फादर हैं, जो मेंढक हैं, फ्रॉग हैं, स्टार्ट करते हैं डिगिंग, खोदना स्टार्ट करते हैं जो वो दीवार के अंदर से, जो दीवार बनी हुई है किसकी,
सैंड की, मिट्टी की, रेत की बनी हुई है। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करते हैं, एंड डग विथ हिज लेग स्ट्रॉन्ग लेग्स, और वे डग करते हैं, खोदते हैं और अपनी पैरों से बहुत खोदते हैं, बड़ी जो ताकतवर ताकत उनकी, बहुत जो उनकी लेग है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन स्ट्रॉन्गों से बहुत उस सैंड को उठाते हैं, खुदाई करते हैं। ही फाइनली मेड ए गैप इन द वेल बॉल बिटवीन द लेग एंड द पॉन्ड, अंत में फाइनली वो एक गैप बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है, किसके अंदर, दोनों के, एक पॉन्ड और तालाब के बीच में एक रास्ता बना लेता है। नाउ द लेक एंड द पॉन्ड वर जॉइंट बाई होल इन द वॉल, बट द टैडपोल डिड नॉट स्विम इन टू द लेक। नाउ द लेक एंड द पॉन्ड वर जॉइंट, जो लेक और पॉन्ड है दोनों जॉइन हो चुके हैं, किसके थ्रू, एक होल के थ्रू, इन द जो वॉल के अंदर है, बट जो टैडपोल्स है तैर नहीं सकते हैं, स्विम नहीं कर सकते उस लेक के अंदर। फादर टोयडे न्यू दे वुड हैव टू गो और दे वुड डाई, जो फादर टोयडे सोचते हैं, कहते हैं कि यदि उन्हें जाना होगा नहीं तो वो मर जाएंगे। सो फादर टोयडे जेंटली पुश टू और थ्री टेडपोल्स थ्रो द हॉर्स, सो उनके फादर ने बड़े सामान्य तरह से, बड़े जत से, बड़े जेंटली से उन बच्चों को धक्का दिया, दो को तीन को टेडपोल्स के बच्चों को, टेडपोल्स को थ्रो द हॉर्स उस हॉल के अंदर, दे स्विम हैप्पीली इन टू द लेग, और वे आसानी से बड़ी खुशी खुशी टेडपोल्स है ना वो उसमें तैरने लगे। देन ही शोड द अदर टेडपोल्स द वे टू द लेग, फिर उन्होंने जो अदर टेडपोल्स को रास्ता बताया कि भाई आप ही ऐसे जाइए और ऐसे आप तैरिए लेग के अंदर, झील के अंदर। सून ऑल द टेडपोल्स एंड फादर एंड मदर टोयडे वर सेफ इन द लेग, जल्दी सभी बच्चे टेडपोल्स और उनके फादर उनके मदर टोयडे पर से बच गए थे और उस लेक में थे, बड़े सेफ से रह रहे थे उस लेक में, उस झील के अंदर। एंड और सो मदर एंडेड द स्टोरी, और उनकी जो मदर थी तीनों बच्चों की, इनकी अमित की, उमा की और स्मिता की, वो उनकी वो स्टोरी फिनिश कर देती है, एंडेड कर देती है। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश होते हैं, कौन कौन, अमित स्मिता है ना, अमित आस्क सो एनी द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे बहुत खुश हैं, अमित आस्क सो एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर मदर, तो अमित पूछता है, कहता है माँ जो जानवरों के लिए है माँ पानी बहुत आवश्यकता होता है, बहुत आवश्यक होता है, बहुत नेसेसरी होता है एनिमल्स के लिए। मदर सेड यस अमित एवरी वन नीड्स वाटर, बेटा अमित सभी के लिए पानी की सबको बहुत आवश्यकता पड़ती है, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और प्लांट्स पौधों के लिए। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस, वाटर बहुत प्रीसियस, बहुत ही अनमोल चीज़ है, बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसे में वी मस्ट यूज इट केयरफुली, हमें इसे बड़ी सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए। फादर टोयडे इज़ लाइक आर डैडी, जो फादर टोयडे है ना हमारे भी ऐसे पापा हैं, ही लव्स हिज बेबीज टू, और वो भी जब उन बच्चों को प्यार करता है ना वैसे हमारे पापा प्यार करते हैं, सेड उमा हैप्पी, ऐसे उमा कहती है। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर हुआ, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। एंजॉय द एक्सरसाइज, टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको राइट निशान लगाना है सही आंसर पर। मदर एंटर्ड विथ ए बिग ब्यूटीफुल पिक्चर एंड स्टोरी बुक, तो यहाँ पर बी आएगा। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ His children, कौन, टेड, फादर टेड था ना वो, उसके लिए यहाँ पर टेडपोल्स ग्रो अप आ गया पर, ये आएगा। टू बी टोर्स ओनली वेन दे लिव इन वाटर, फादर टोयडे सा दैट द वाटर वॉज गारिंग अप इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर सो आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, दिस पॉन्ड हैड ए लेग बिसाइड, बगल में इट, क्वेश्चन बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सही के लिए आप टी लगाएंगे टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, और जो रॉन्ग है उसके लिए आप फॉल्स लगाएं। दिस स्टोरी इज अबाउट फादर टोयडे एंड हिज बेबीज, यस ट्रू आएगा। फादर टोयडे वॉज वेरी काइंड एंड क्लेवर, यस ट्रू राइट। द लेग वॉज स्मॉल एंड हैड मोर वाटर, नो, जो लेग थी बहुत बिगर थी
और उसमें पानी में वो ज्यादा था, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग आ गया, अब आएगा फॉल्स। फादर टॉयडे जेंटली पुश टू और थ्री टेडपोल्स थ्रू द होल, राइट, यहाँ पर ट्रू आएगा। क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड फादर टॉयडे मेक ए पाथ फॉर द टेडपोल्स टू गो टू द लेक। हाउ डिड फादर टॉयडे मेक ए पाथ फॉर द टेडपोल्स टू गो टू द लेक। ही मेड ए हॉल बिटवीन लेक एंड बिटवीन पॉन्ड। उन्होंने एक हॉल बनाया इसके बीच में, एक पॉन्ड के बीच, तालाब और झील के बीच में। Why was the water in the pond drying up? वो जो तालाब का पानी क्यों सूख रहा था, क्योंकि समर आ चुका था, तब समर हैज कम एंड इट वॉज सो मच हॉट। What do you want to hear today? Who asked to whom? What do you want to hear? Who asked to him? Mother. मदर ने कहा कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे, आप ट्वेंटी पीपल की या एक एनिमल्स स्टोरी। व्हाट डिड अमित आस्क फॉर मदर, अमित ने मदर से क्या पूछा। ही आस्क माँ, एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, वाटर, पानी पर सभी की आवश्यकता है, तो ये उनसे पूछता है। व्हाट डिड उमा हैप्पीली से टू हर मदर, उमा मदर से क्या बोलती है, वैसे बोलती है भाई जैसे टोड फादर थे वैसे हमारे पापा भी हमें प्यार करते हैं, लव करते हैं, लाइक टोडी फादर लाइक्स आवर डैडी। हाँ, तो ये आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप उनको स्टडी करें और इनको लर्न करें और इनको नोट डाउन करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर को, तब तक के लिए थैंक यू।